नमस्कार। टेरी टाइम्स में आज का विषय है ट्वेल्थ के बाद एक अच्छा ऑप्शन जिससे जल्दी करियर बन सके वो क्या करें। इस संवाद को करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जो पिछला हमारा एक वीडियो था जिसमें हमने बात करी थी कि दसवीं के बाद क्या करें, टेंथ के बाद क्या करें, उसमें हमने अपना फ़ोन नंबर, फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट मेंशन किया था। उसके बाद बहुत बच्चों ने, बहुत अभिभावकों ने फ़ोन किया और पूछा कि हम टेंथ के बाद डिप्लोमा करें तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। वहीं पर कुछ प्रश्न ऐसे आए, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन तक वो वीडियो पहुंचा जो अभी ट्वेल्थ में थे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ रहे थे और बड़े साधारण परिवारों के वो बच्चे थे, बड़े आम परिवारों के वो बच्चे थे। तो वहीं से ये बात करने का विचार मन में आया और ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं आपको कि ट्वेल्थ जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ अभी कर रहा है वो भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है और डायरेक्ट सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री के माध्यम से उस बच्चे का एडमिशन हो जाता है। इस बात की जानकारी कई बच्चों को, कई अभिभावकों को नहीं है। तो मात्र दो साल में ट्वेल्थ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से करने के बाद मात्र दो साल के समय में वो बच्चा जूनियर इंजीनियर पद के लिए, हमने जो बातें कही थी वही सब बातें हैं, वो बच्चा रेलवे में, वो बच्चा IOCL में, वो बच्चा NTPC में, पब्लिक हेल्थ में, NHPC में, सभी गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जूनियर इंजीनियर के पद पे आवेदन करने के योग्य हो जाता है। और जो पूरे भारत में स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइज है, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन सभी में डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी या टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्निकल सुपरवाइजर के पद के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। और बड़ा अच्छा, बड़ा समय की बड़ी बचत होती है। ट्वेल्थ के बाद नॉर्मली हम B.Tech की बात करते हैं, हम BBA की बात करते हैं, हम होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इन पाठ्यक्रमों में, इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स में पढ़ाई का जो खर्च है वो कुछ ज़्यादा है, हर बच्चा उस खर्च को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ही सामान्य परिवार के बच्चों के लिए है कि वो ट्वेल्थ करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ और फिर सिर्फ दो साल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में वो बच्चे जॉब पर जा सकते हैं, अपना करियर शुरू कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और उसके बाद दो साल का मान लीजिए बच्चे का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद बच्चा चाहे कुछ पैसा कमा ले, कुछ अपने पेरेंट्स को फिनेंशियल असिस्टेंस कर दे, उसके बाद वो चाहे तो B.Tech करेगा यदि वो बच्चा, तो लेटरल एंट्री के माध्यम से वहां पर भी डायरेक्ट सेकंड ईयर में उसको एडमिशन मिल जाएगा। या कंट्री में एक पाठ्यक्रम है AMIE का जिसकी मान्यता है B.Tech के बराबर, तो बच्चा जॉब के साथ साथ AMIE भी कर सकता है और इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करके अच्छे पदों पर और ऊंचे पदों पर जा सकता है। तो जो मेरी पिछली बात थी मैं उसी को दोहराना चाहूँगा कि बड़े सामान्य परिवारों से, कच्चे घरों से, बहुत नॉर्मल फैमिलीज से बच्चे पढ़कर बड़ी इमारतों में बड़े पदों पर पहुँचे, ऐसा सपना है टेरी संस्थान का और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मेरा पिछला वीडियो दसवीं के बाद क्या करें वो इसी चैनल पर अवेलेबल है, जिन लोगों ने उसको नहीं देखा वो उसको भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर हमने फिर एक बार अपना नंबर, मैंने अपना खुद का नंबर दिया है, टेरी संस्थान की वेबसाइट दी है, हमने अपना यूट्यूब और फेसबुक का लिंक दिया है, इन पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं दोबारा निवेदन करूंगा अपने सभी बच्चों से, सभी अलुमनाई से, सोसाइटी में जितने भी मेरे मित्र हैं, फेसबुक पर मेरे जितने मित्र हैं, इन वीडियोस को, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, ये वीडियो एक आम परिवार के बच्चे तक पहुंचे और हम एक बेहतर भविष्य बनाने में उन सबका सहयोग कर पाए। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को आप लोग टच करें, आपसे संपर्क होता रहेगा, जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।